उत्तर प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजना बाल विकास पुष्टाहार योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं एवं नौनिहालों को कुपोषण से बचाने के लिए पूरे प्रदेश में ICDS योजना के अंतर्गत कार्यों को किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुपोषित बच्चे व महिलाएं योजना के लाभ से लाभान्वित हो रहे हैं। इस उद्देश्य को लेकर मुरादाबाद के लाइन पार्क कुंदनपुर ढक्का के आश्रम आश्रयहीन शेल्टर होम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आंगनबाड़ी विभाग की कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं के द्वारा क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं एवं कुपोषित बच्चों को पुष्टाहार वितरित किए गए व गोद भराई की रस्म भी अदा की गई। सरकार की योजना के लाभ से लाभान्वित भी कराया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने पहुंची भाजपा नेत्री प्रिया अग्रवाल का समिति की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान वक्ताओं द्वारा कहा गया कि सरकार की यह पहल सबसे अच्छी पहल है, क्योंकि इससे देश की आधी आबादी सुरक्षित हो रही है और हमारे नौनिहालों का भविष्य भी सुरक्षित हो रहा है। मुख्य सेविका नाहिर भी और ममता द्वारा अपने अतिथियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया और कहा गया कि हमारी इन बहनों को हमारे अतिथियों द्वारा जो सम्मान दिया गया है वे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस दौरान भारी संख्या में क्षेत्र की महिलाएं एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों सहायिकाएं आदि मौजूद रही। मेरा नाम रेखा मिश्रा, ये शेल्टर होम है कुंदनपुर ढक्का लाइन पार्क मुरादाबाद में, जो बिजली द्वारा चलाया गया है। और यहाँ पर हमारे यहाँ 50 बेड की व्यवस्था है, 8 बेड जो है महिलाओं के लिए है, बाकी 42 बेड जो व्यवस्था की गई है वो पुरुषों के लिए ही है। और मैं चाहती हूँ कि शहरवासियों को पता चले कि यहाँ पर एक व्यवस्था हमारे शेल्टर होम में रखी गई है, जो कि उन लोगों के लिए है जो कि निराश्रित हैं या जिनके पास रात को सोने के लिए जगह नहीं है, तो वो अपने आराम से आके रह सकते हैं और सुबह को अपनी जो भी अपना काम करते हैं उनके लिए व्यवस्था हमारे शेल्टर होम में। कौन सी जगह है ये शेल्टर होम कौन सा है? आज क्या कार्यक्रम किया जा रहा है? आज ये योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा हमारे प्रोग्राम उड़ान, योगी आदित्यनाथ जी द्वारा उड़ान कार्यक्रम शिक्षा का, इसमें हमारी आंगनबाड़ी गर्भवती माता महिलाओं को समझाना, वो कराई है रंगन देवी बेटी जी और ये हमारी जो धात्री महिलाएँ जिनको से 6 माह तक के बच्चों से माँ का दूध उसके बारे में जानकारी दी। कौन मुख्य अतिथि के रूप में रहेगा यहाँ पर? अतिथि के रूप में तो वो है हमारी सुपरवाइजर है, एक तो है नाहिद मैडम और एक हमारी। चलिए दो जने हैं। क्या क्या मतलब उद्देश्य है इसका? उद्देश्य ये महिलाओं को समझाना, गाँव गाँव में कि उन्हें ये पता लगे कि हमें क्या कहा जाता है, गर्भवती महिलाओं के लिए हमें क्या समझाना है, उसके लिए हमें क्या खाना है, खाने पीने के बारे में, बच्चों की सिर्फ माँ का दूध 6 महीने तक देना। गोद भराई रस्म में क्या क्या है? गोद भराई की रस्म में गोद भराई की रस्म होती है 7 महीने की जो बेबी होती है उसको हमें खुशी कि हमारे घर नया कोई मेहमान आने वाला, इसलिए खुशी के लिए हम उसकी गोद भराई की रस्म कराते हैं। कितने समय से कार्यक्रम कर रहे हैं? ये तो 2017 जब से योगी आदित्यनाथ जी आए थे।